हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली जाके इंटरवल हो गया, किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट हाफ खत्म हो गई है और आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ। दोस्तों हमारे साथ हमारे टॉम भाई भी आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली टॉम भाई भी किसी का भाई किसी की जान देख लिया है, तो मैं अपना रिव्यू देने से पहले हम टॉम भाई से जानने की साथ में दे देंगे। उसमें क्या है, पहले आप साथ में दे देंगे, पहले आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सुबह का शो भाग के आया। सुबह 7 बजे हम लोग थिएटर के बाहर खड़े थे भाईजान के हुए, पर यहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेशन नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बड़े कटआउट नहीं लगे थे। बराबर। पर बुई को मैंने बहुत इंजॉय किए। क्या बात, वन वर्ड में बोलूँ, सलमान खान इज बैक लाइक अ वॉन्टेड, लाइक अ राधे, लाइक अ बॉडी गार्ड, लाइक अ दबंग, इज बैक लाइक दैट। राधे बोले तो राधे मूवी वाला नहीं, वॉन्टेड वाला राधे इज बैक, याद रखो। फुल एक्शन पैक, फुल एकदम माइंड ब्लोइंग, मतलब एक एक मतलब ऐसा बनाया पिक्चर, तो एक भी सीन बोर ही नहीं हो गया, एक भी सीन नहीं बोर हो गया। पूजा हेगड़े भी सही लगी है पिक्चर में, हालांकि प्रीवियस मूवीज में कोई भी इतनी मजा है, पर यहाँ पे मजा आ रहा है देखने को। जो तीनों भाई उनके वो भी अच्छा काम, मतलब एकदम फैमिली पैक। और ये इंटरवल में एक सीन मेरा सबसे फेवरेट है, जो एकदम सस्पेंस है, वो आप देखो, हमारा 90s का सलमान याद आ जाएगा आपको, जब उसे अपना डेब्यूट किया था, मतलब डेब्यूट करके उसकी मूवी मिली थी, वो याद आ जाएगा सच में यार। स्पॉइलर नहीं देखे, देखना पड़ेगा। और इतना माइंड ब्लोइंग, सलमान खान भाई ने कसम खाया है कि यार इस बार की ईदी में जान दे के रहूंगा, कि मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान। क्या बात है, एकदम फंटास्टिक। कमेंट्स में आके बोलेगी क्या थर्ड क्लास मूवी है, नहीं, जाके देखो और पता करो। एक्शन सीन, ऐसा एक्शन का कैमरा एंगल मैंने सलमान की कोई मूवी में नहीं देखा है। सीरियसली एक्शन मजा आता उनकी मूवी में देखो, वॉन्टेड, दबंग लो, बॉडी गार्ड लो, पर ऐसा एक्शन का कैमरा एंगल बात करो। लेकिन सभी को पता है मूवी में देख के बोल सकता हूँ, एक्शन जितना एक्शन सीन, मैं सिर्फ एक्शन सीन का बात कर रहा हूँ, फराह साहब जी ने डायरेक्ट नहीं किया है पिक्चर, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, हालांकि उन्होंने बच्चन पार्ट हाउसफुल 4 डायरेक्ट किया था, बोर हो गया था मैं थोड़ा थोड़े सीन में, पर यहाँ पे बोरिंग नहीं लगा। बच्चन पांडे भी देखो तो एक्शन मूवी था, लेकिन उनका डायरेक्शन देखो, और वो भी रिमेक था, फिर भी इतना मजा नहीं आया था। यहाँ पे देखो यार क्या माइंड ब्लोइंग, एक एक सीन इंटरवल में, वो मेट्रो का सीन ऐसा एक्शन सीन है यार, लोग फिजिक्स धोने गए। पर भाई वो जो एक्शन डायरेक्ट जिसने किया ना, वो भी साउथ का ही डायरेक्टर है जिसने एक्शन डायरेक्ट, क्योंकि आप नाम पढ़ोगे ना, उसने RRR को भी डायरेक्ट किया एक्शन में, एक्शन डायरेक्शन में। हर मूवी इंटरवल लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिख क्या है, वेलकम टू द साउथ कल्चर, और उनका साउथ का जो पत्ते में खाना रहता है वो बताया। ऐसा मैंने कभी सलमान की मूवी में देखा, मैं बोला इस बार सलमान भाई ने साउथ कल्चर, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म सब लेके आ गए इसमें, सच में सब लेके आया, मजा आएगा एकदम देखने के लिए। ईदी माइंड ब्लोइंग है, मेरे को तो यार ईद के पहले ईदी मिल गई है। क्या बात है, आप थोड़ा बोल दो अभी। चलिए आपका रिव्यू करेंगे पूरा फुल देखने के बाद, तो देख सकते हो दोस्तों हमारे टॉम भाई ने अपना रिव्यू दिया है। मैं वन वर्ड में बोलूँ तो मेरे को भी मूवी आज काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों एक्शन पैकेज है, इमोशंस भी है मूवी में, और सबसे बड़ी बात कि भाईजान का जो लुक है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। हालांकि इसमें 3 डिफरेंट लुक है, लेकिन पूरी इंटरवल तक एक ही लुक में निकाल दिया, वो बड़े हेयर स्टाइल में दोस्तों। और इंटरवल पॉइंट की बात करें तो वो जो मेट्रो वाला सिक्वेंसन से फाइट, वो जबरदस्त है, मतलब कि आपको फील आ जाएगी वांटेड वाला, जो कि लोकल ट्रेन में होता फाइट। तो दोस्तों बस इतना ही, आपने टॉम भाई का रिव्यू सुना, मेरा भी सुन लिया, तो चलो मिलते हैं फुल रिव्यू में हम लोग दोनों का, वो भी सोलो। तो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सलमान भाई के फैंस को बोलेगा पूरा वीडियो एंड तक देखना, और पूरे मूवी हम लोग देखने के बाद पूरा एक रिव्यू मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।